नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का दूसरा सत्र शुरू, प्रश्नकाल जारी तो पंचायतों में भ्रष्टाचार के 23 मामलों को लेकर हुई बहस। वहीं सरकार 2022-23 के लिए करेगी बजट प्रस्ताव पेश। उत्तराखंड में आपको एक और झटका, बीजेपी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली, सोमवार को दिया था अपने पद और सदस्यता से इस्तीफा। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का चिंतन शिविर, देश भर में आए कई किसान नेताओं ने की शिरकत, समस्याओं के समाधान पर की गई चर्चा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जिला स्तर का कोटा समाप्त करने का विरोध, आज भी जिला मुख्यालयों पर यूकेडी ने किया प्रदर्शन, कहा कोटा खत्म होने से पहाड़ के युवाओं को उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। हल्द्वानी में वन विभाग टीम की बड़ी कार्रवाई, लीसे के 703 अवैध खेप की बरामद, ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का दूसरा सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले ही दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्ताव पेश करेगी। माना जा रहा है कि धामी सरकार बजट में राज्य के विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए कई उपहारों की घोषणा भी कर सकती है। और वहीं विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक संजय डोभाल ने पंचायतों में भ्रष्टाचार का मामला उठाया, जिस पर पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने जवाब में सदन को अवगत कराया कि प्रदेश में पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में भ्रष्टाचार में कुल 23 मामले लंबित हैं। इन पर सरकार नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड के बजट में धामी सरकार की दूरदर्शिता और विकास की योजनाओं का खाका नजर आएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा यह बजट उत्तराखंड में मील का पत्थर साबित होगा, बजट से विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। और खास बात यह है कि इस बार के बजट में जनता के सुझावों को भी शामिल किया गया है। सर्वग्राही और उत्तराखंड के विकास के जो आगे चलकर एक मील का पत्थर साबित होगा, उस बजट में सभी बातों को समाहित किया गया है, सभी के विचार लिए गए हैं, जन संवाद से बजट बनाया गया है। और ये बजट सबके लिए जो है बहुत आगे आने वाले समय के लिए उत्तराखंड के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। विपक्ष ने गैरसैंण में सत्र न कराए जाने का विरोध भी किया, जिसके चलते नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार बहाना बनाकर सत्र करने गैरसैंण में नहीं गई। निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता गैरसैंण है। देखिए, गैरसैंण को और बड़ा दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जनभावनों का अपमान किया है। कांग्रेस की प्रतिबद्धता है गैरसैंण, कांग्रेस की प्राथमिकता है गैरसैंण, और भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, छलने का काम कर रही है। चार धाम यात्रा के नाम पर इस सत्र को स्थगित किया, इस सत्र को यहाँ देहरादून में उन्होंने आहूत किया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, और यहाँ पर भी, और हम आज नियम 310 के तहत विधानसभा के अंदर सदन में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे।
विधानसभा सत्र के दौरान देहरादून में यातायात की समस्या के संबंध में रायपुर विधायक उमेश शर्मा का उन्हें ज्ञापन सौंपा और कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान हरिद्वार रोड, हरिद्वार बाईपास, जोगीवाला लिंग रोड पर भयंकर जाम लगता है। साथ ही साथ शहर के आम नागरिकों के साथ स्कूल, हॉस्पिटल, दफ्तर जाने वाली सहित चार धाम यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों को कई दिनों तक बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हीं का अध्यक्ष के महोदय के अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं होती हैं। मैंने उन्हीं से अनुरोध किया है कि ट्रैफिक के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ ऐसे ही व्यवस्था की जाए कि आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। अल्मोड़ा में बीजेपी ने सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत चौध खान पाटा, गांधी पार्क से दीनदयाल पार्क में पांडेखोला तक तीर्थ बाइक यात्रा का आयोजन किया। बाइक यात्रा को सांसद अजय टम्टा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सांसद अजय टम्टा ने मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। आठ वर्ष जो कांग्रेस शासनकाल के 54 साल एक परिवार ने दिए और 8 वर्ष के अंदर उन सभी अंतिम छोर में वंचित समाज के व्यक्तियों को वो सारी सुविधाएं जो उनकी रोज़मर्रा की जीवन की आवश्यकताएं हैं, बिजली है, पानी है, गैस है, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत है, और वहीं देश के अंदर कोरोना जैसी बीमारी को निःशुल्क देने के कारण वैक्सीन को देने का ये कि बहुत सारे कार्यक्रम करते करते विकास को भी आगे बढ़ाना, चाहे वो लिपु लेक के दर्रे तक हो, चाइना नेपाल नॉर्थ ईस्ट के सारे बॉर्डर तक के सारे रोडों को बढ़ाने का काम, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम हुए, युवा मोर्चा के माध्यम से आज पूरे देश भर के, पूरे प्रदेश भर के अंदर उन्होंने भी कार्यक्रम लिए हैं, महिला मोर्चा ने भी लिए हैं, अनुसूचित युवा सारे मोर्चा के भी कार्यक्रम हैं। इसी निमित्त आज ये चौखान बाटा से लेकर पंडित दीनदयाल जी के पार्क तक का ये कार्यक्रम है और युवाओं में भी एक जागरूकता के साथ ये काम आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और राष्ट्र के अंदर इस प्रकार के कार्यों को करके अपने 8 वर्ष के कालखंड में जो जिस प्रकार से एक सुखद अच्छा अनुभव का माहौल, जो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जन जन तक और पहुंचे, इन्हीं के साथ ही आज के कार्यक्रम चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने केंद्र सरकार पर विपक्ष का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है और केंद्रीय जांच एजेंसियों के मार्फत विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। करण महारा का कहना है कि बीजेपी सुरक्षा एजेंसियों को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रही है। ईडी का जिस तरीके से इस्तेमाल उन नेताओं के विरुद्ध किया जा रहा है जो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मुखर रहते हैं, ये चिंता का विषय है। ये लोकतंत्र है, आप विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं ईडी की मदद से, सीबीआई की मदद से? क्या कारण है कि चिदंबरम साहब को ईडी का सम्मान आता है, उनको बंद किया जाता है, और जो नेता बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बोलता है 5 या 10 दिन के अंदर उसके लिए सम्मान जारी हो जाता है? क्या ईडी धमकी देने के लिए विभाग बनाया गया? और हमारा काम है, हम लोकतंत्र में, लोकतंत्र की रक्षा करना और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करना कांग्रेस का कर्तव्य है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बाली ने कहा था कि आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली के साथ चलने में वे असहज महसूस कर रहे थे और इसी के चलते वे पद छोड़ रहे हैं। बाली ने अपना इस्तीफा आपको राष्ट्रीय के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया को भेज दिया था। आपको बता दें कि कुछ साल पहले तक दीपक बाली को एक रियल स्टेट कारोबारी के तौर पर जाना जाता था। साल 2020 में बाली आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने स्वयं उन्हें आपकी सदस्यता दिलाई थी। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन का 3 दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा है। गंगा किनारे आयोजित इस शिविर में देश भर के किसान शामिल हुए हैं। चिंतन शिविर में किसानों के सामने आ रही समस्या और उसके समाधान पर चर्चा की गई। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वराज सिंह भाटी ने कहा कि आज भी किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से दिल्ली किसान आंदोलन में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दिए जाने, देश के सभी प्रदेशों में किसानों को सस्ती बिजली और पुश्तैनी किसानों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन दिए जाने की मांग की। वहीं किसानों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही उनकी सब मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो देश भर में आंदोलन किया जाएगा। हमारी समस्या है, किसानों की सबसे बड़ी लाइट की समस्या चल रही है, इसमें खाद की रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मिल भी नहीं रही है, सब लाइन लगाए पड़े हैं वो भी नहीं हो पा रही है, और ये क्या हमारा मूल्य जो है वो नहीं मिल पा रहा है। इसके लेके हम लोग जो है, अगर समस्याएं माननीय राष्ट्रपति जी के माध्यम से हमको दिया जाएगा ज्ञापन, अगर समस्याएं नहीं हल हो गई तो हम लोग सब आंदोलन करने के रोड। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहते हैं कि आंदोलन के तहत जितने भी किसानों के ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं, आंदोलन के सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। माननीय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार C2+50 करके 50% जोड़ करके जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी घोषणा हो और उसको गारंटी कानून बनाया जाए, और जो बिजली का जो विद्युत बिल है वो सभी प्रदेशों का, घरेलू हो या कृषि का हो, बराबर किया जाए सभी का, और जो वृद्धा और विधवा पेंशन है वो भी सभी प्रदेशों की बराबर की जाए, और किसान परिवार की कम से कम जो भी पुश्तैनी किसान है जो एक हेक्टेयर से नीचे अपना ज्ञापन करते हैं उस परिवार के मुखिया के भी नाम कम से कम 10,000 मासिक पेंशन की जाए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पुलिस भर्ती के दौरान जिलेवार कोटा निर्धारित किए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें UKD कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। UKD कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में जिले का कोटा हटा दिया है, जबकि पुलिस भर्ती राज्य स्तर पर मेरिट बेस पर की गई है। UKD ने पुलिस भर्ती में जिलों के लिए कोटा निर्धारित करने की मांग भी की है। उत्तराखंड कैंडल द्वारा पूरे प्रदेश में जो पुलिस भर्ती उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है उसका जो मेरिट इस तरह उन्होंने कहा वो स्टेट लेवल पर कर दिया है, जिससे हमारे जो पहाड़ी जिले है, पहाड़ी जो क्षेत्र है उत्तराखंड का है, वो उसको बहुत नुकसान होगा। यहाँ के बच्चों के पास बहुत कम संसाधन होते हैं, तो इसलिए हमारी मांग है कि जो पुलिस भर्ती चल रही है उसमें जिला वाइज कोटा निर्धारित किया जाए। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश भर में हुई हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। इसी के चलते पुलिस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में पैनी नजर रख रही है, तो वहीं बाजपुर कोतवाली पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से ग्राम मुंडिया पिस्तौर में निगरानी की। ये आज बाजपुर क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिगत हमने ड्रोन कैमरे से चेकिंग कराई है, और कई क्षेत्रों में जहां कुछ छोटे छोटे मामलों में झगड़े या इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं कि दो पक्षों में आपसी तनाव, ऐसी कोई बातें सामने आई हैं पिछले दिनों, वहां हमने ड्रोन से चेकिंग कराई है, और फिलहाल सब कुछ इसमें नॉर्मल मिला है। लेकिन अगर कभी कोई भी इस तरह का जो भी माहौल ख़राब करने का या सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा तो उसमें अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे। दिनेशपुर में हिंदू समाज के लोगों ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में नुक्कड़ सभा की और हिंदू समाज से एकजुट होने का आह्वान भी किया। बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष हिमांशु सरकार के निवास पर एक सभा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता के साथ हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सभी वक्ताओं ने कहा कि नुपुर शर्मा ने कोई गलत बयान नहीं दिया है। नुपुर शर्मा जी को साफ जो अन्याय हो रहा है, पूरा दुनिया में जितनी इस्लामिक स्टेट है सब नुपुर शर्मा जी को जो धमकियां दे रही है, नुपुर शर्मा ने इस ऐसी कोई गलत बात नहीं कही, जो उनके हदीस में लिखा है वही कहा, उनको उकसाया गया जो रहमान तस्लीम रहमानी ऐसा कुछ नाम है कोई मौलवी, उनको उकसाया, उनकी बात उनके ऊपर FIR क्यों नहीं हुआ। पूरे देश में एक बहुत ही नुपुर शर्मा जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और कोर्ट में जो प्रकरण चल रहा उसके खिलाफ जो हमारे मुस्लिम भाई लोग जिस तरीके से पत्थरबाजी और जिस तरीके से आक्रमण हुए बड़े हैं पूरे देश में, उनके खिलाफ हमारा ये आवाज़ है कि हम भी यहाँ पे बैठे हैं, हम भी कमज़ोर नहीं हैं, और इस तरीके से आप लोग अगर यहाँ पे आतंक फैलाया जाएगा तो ये भारत का हिंदुस्तान है और ये हिंदुओं का राष्ट्र है,
इस तरीके से करेंगे तो निश्चित। रामनगर में बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ व्यापारियों ने बाजार में जुलूस निकालकर विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की और विद्युत कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अभियंता बिगराज सिंह का घेराव भी किया। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि लगातार हो रही अघोषित कटौती से जनता पूरी तरह परेशान है। इस कटौती के कारण व्यापारियों के कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों पर फोन नहीं उठाने का भी आरोप लगाया। साथ ही बताया कि यदि लाइट आती भी है तो वोल्टेज के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। व्यापारी ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। वहीं मामले में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता बेगराज सिंह ने बताया कि कटौती को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के साथ ही रामनगर को कटौती मुक्त रखने की बात की जाएगी। आप आइए, स्वागत है। बंद करो, बंद करो, अघोषित बिजली बंद, बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, अघोषित बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। पिछले कुछ दिनों से बाजार क्षेत्र में लाइट की बार बार ट्रिपिंग की समस्या, वोल्टेज की समस्या और अघोषित बिजली कटौती को लेकर सारा व्यापारी वर्ग परेशान था। व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, डेयरी व्यापारियों का, आइसक्रीम व्यापारियों का, इन सब का काफ़ी नुकसान चल रहा है। इसी को लेकर आज सक्रिय युवा ग्रुप रामनगर का एक्सचेंज साहब से मिला, जिसमें बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वार्तालाप हुई। एक्सचेंज साहब से विधायक जी की भी बात करवाई गई है। एक्सचेंज साहब से दोनों ने ही आश्वासन दिया है कि जल्दी इस समस्या से निजात पाया जाएगा और पुराने ठेकेदार जो थे बिजली विभाग के उनको हटा दिया गया है। नए ठेकेदार आए हैं, एसडीओ साहब, ठेकेदार साहब और एक्सचेंज साहब, तीनों के साथ बैठ के हमारी सबकी बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे ये सब समस्याएँ नहीं आएंगी भविष्य में। मैं अभी ऊपर लेटर लिखूँगा उसके लिए कि घोषित कटौती की जाए, अगर ना ही की जाए तो अच्छी बात है। कोशिश में ये कर रहा हूँ। और जैसे जो कि पिछली बार पहले जो हमारा ठेकेदार था वो कुछ सही नहीं था, अब जो नया ठेकेदार आया है वो लड़के सही हैं और मैं उनके द्वारा कार्य कराया जा रहा है। वैसे कल भी दिक्कत नहीं हुई है कोई ऐसी दिक्कत। रामनगर में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण से अब जनता का सड़क पर पैदल गुजरना मुश्किल हो चुका है। मुख्य बाजार में अधिकारियों की उदासीनता के चलते अतिक्रमण अधिकारियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं और कुंदन वाली गली में अतिक्रमणकारियों को दबंगता के कारण इस सड़क पर पैदल चलने वाले लोग काफी परेशान है। यहाँ मौजूद दुकानदारों द्वारा अपना अधिकांश सामान सड़क पर रखकर व्यापार किया जा रहा है। हालांकि नगर पालिका ने कई बार अभियान भी चलाया लेकिन अभियान के बाद अतिक्रमण कारी फिर से सड़कों पर अतिक्रमण करते दिखे। साला फिर सामान बाहर को निकाल रखा है। मैं आज यहाँ पर से बैंक से अपने बैंक का कार्य करके आ रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर कई दुकानें यहाँ पर ऐसी हैं जो किसी ने आपस में कंपटीशन कर रखा है कि अगर वो एक कूलर निकालेगा तो वो दो कूलर निकालते हैं और इन्होंने रोड को जाम लगा रखा है। यहाँ पर बाइक से निकलना भी मुश्किल है और पैदल चलने वालों को भी जाम है। यहाँ सुभाष मार्केट जो है, रामनगर की सुभाष मार्केट काफ़ी प्रसिद्ध है, कुंदन स्वीट्स के बिल्कुल पास में। यहाँ 8-10 दुकानदार साहब ऐसे हैं, अगर यहाँ से निकलना चाहें बाइक से, पैदल, किसी भी तरह से, एक तो गर्मी का मौसम है, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से जाना चाहे तो उसको कम से कम 5-7 मिनट 10 मिनट वो सिर्फ एक दो दुकानें क्रॉस करने का समय लगता है। देखिए, नियमित रूप से प्रशासन और पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन द्वारा जो है इस तरह के जो अस्थायी अतिक्रमण होते हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जाता है और जो प्रकरण आपने आज संज्ञान में लाए हैं उसमें भी आज जो है शाम के समय में पालिका की टीम और पुलिस टीम, पुलिस की सहयोग से जो है संबंधित स्थल में जाके अतिक्रमण अधिकारियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करेगी। अल्मोड़ा जनपद में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से बचाव के लिए दूसरी डोज से छूटे लोगों की तलाशी शुरू कर दी है और टीकाकरण करने का कार्य भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सीएमओ डॉक्टर पंत ने बताया कि जनपद में बुजुर्ग लोगों में 77,000 का लक्ष्य था जिसमें 25,000 लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है और बाकी शेष बचे लोगों के लिए आंगनबाड़ी ANM के माध्यम से घर 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 जाकर टीकाकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। हर गांव में जहां पे ये बुजुर्ग लोग हैं जो हमारे वैक्सीनेशन साइट पे नहीं आ पा रहे थे तो हमने अपने आशाओं को, ANM को और वैक्सीनेटरों को उनके घर में दस्तक देने के निर्देश दिए हैं और आज से हमने इसकी शुरुआत कर दी है। तो हमारे जो जनपद में इसके जो 60+ में जो बूस्टर डोज लगने थे 77,000 का लक्ष्य था जिसमें हम 25,000 के करीब लगा चुके थे तो हमारा जो रिमेनिंग था 50,000 तो उनको हमारी कोशिश होगी कि हम एक हफ्ते के भीतर
उस संख्या को बहुत कम करेंगे तो हमारे जो लोग उससे वंचित रह गए थे तो उनको हम डोज लगा सकें। हल्द्वानी में वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने लीसे की अवैध खेप बरामद की है। जानकारी के अनुसार वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर रानीखेत के मचखाली से 700 टीन अवैध लीसे को ट्रक में भरकर ला रहे चालक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वन विभाग में ट्रक को रेंज कार्यालय में जमा कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि आपके क्षेत्र में एक लीसे की गाड़ी आ सकती है, तो हमारे द्वारा अपने सारे स्टाफ को सतर्क किया गया। हैंडल गेट के पास हम लोग बैठ गए, हमें एक गाड़ी आती दिखाई दी, लाल रंग की कैंटर थी, उसको रोका तो उसके द्वारा गाड़ी को भगाया गया। उसका थोड़ी देर पीछा करने पर हमने उस गाड़ी को पकड़ लिया और ड्राइवर को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि यह लीसा वो मछली रानीखेत से ला रहा है। उस गाड़ी को हम अपने सुरक्षा कार्यालय ले आए हैं, उसमें कितना टिन लीसा है इसकी जांच की जा रही है। ड्राइवर द्वारा बताया गया कि लगभग 700 टिन लीसा इसमें है। कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ी जनपद बागेश्वर में स्मैक का कारोबार खूब फैल फूल रहा है। आपको बता दें बागेश्वर के स्थानीय ग्रामीण युवा पीढ़ी इस जहर के काले कारोबार से मुनाफा कमाने के चक्कर में तस्करी कर रहे हैं। कोतवाली बागेश्वर पुलिस ने दो स्थानीय युवकों से स्मैक की 18.55 ग्राम खेप पकड़ी है। दो लोगों को सुरेश सिंह तथा ब्रजेश सिंह कतवाल को एक पर इसमें एक पर 10.55 तथा एक पर 8.33 ग्राम इसमें पकड़ने में सफलता मिली है। जैसा कि इसमें पहले भी ये सुरेश जो है इसमें के उसमें पकड़ा गया। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर पार्किंग में खड़ी एक कार अचानक चलने लगी। जब तक लोग माजरा समझते तब तक कार पार्किंग से निकाल कर गंगा में बह गई। कुछ दूरी पर कार को गंगा में बहते हुए देख स्थानीय युवाओं ने हादसे की आशंका जाहिर की और अपनी जान जोखिम में डालकर गंगा में कूद गए और किसी तरह कार को पकड़कर 72 सीढ़ी गंगा घाट पर रोक लिया। सूचना मिलने के बाद त्रिवेणी घाट चौकी से जल पुलिस और फ्लड कंपनी के जवान मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद कार को क्रेन से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।